सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक हो, हम भी ठीक है। तो पहले ही बोल रहे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पहले हम ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले कुछ ड्राइंग का जो मटेरियल है वो सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये एक ट्यूटोरियल है बिगिनर के लिए। तो इंस्टाग्राम में जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के लिए, अभी हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, उसके लिए ये वीडियो बनाए सिर्फ आप लोगों के लिए। तो पहले ये जो पेपर है, ये ब्रूस्टो का पेपर है, ए फोर साइज का पेपर है और ये राफ पेपर है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी स्केच कर लिए और स्केच के लिए ग्रिड यूज़ किए। तो ग्रिड भी था, जो कैसे करते हैं उसका लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हो। तो अब क्या क्या सेट के लिए यूज़ करेंगे वही दिखाएंगे। तो पार्ट पार्ट करके हर एक वीडियो आएगा, तो आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम पहले ले लिए आर्ट लाइन का ये पेंसिल, जो सिर्फ 60 रुपीज़ का है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है। फिर हम लेंगे यहाँ पे एक डार्क पेंसिल, जो है आप लोग जानते हो बहुत महंगा है। तो ये है स्टेडलर का लूमोस का ब्लैक पेंसिल, जिसका 6 शेड्स है। और ये हम डार्क जाकर यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे आप लोग देखना वीडियो पे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहो। ये है हाईलाइट के लिए, ड्रिलिंग के लिए मोनोरेजर। ये है बैटरी रेजर, जो बूस्टो का है। फिर हम लेंगे यहाँ पे कुछ और मटेरियल्स, जो है ब्लेंडिंग के लिए। तो ब्लेंडिंग के लिए फिर हम लेंगे यहाँ पे कुछ मेकअप ब्रश और कुछ वाटर कलर का ब्रश, जो मेरे पास जितना भी है वही हम यूज़ करते हैं। आप लोग सिर्फ वाटर कलर ब्रश यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे है एक कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जो बहुत डार्क नहीं है शायद बाकी पेंसिलों से, पर सस्ते में ये चारकोल पेंसिल बहुत अच्छा है। तो ये है टिश्यू पेपर, जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो लगभग जितना चाहिए था वो उतना हो गया, पर और एक कुछ चाहिए जो आप लोग शायद अंदाज भी नहीं कर पाओगे। तो ये है एक नॉर्मल पेन, जिसमें काली मतलब इंक नहीं है, ब्लैक पेन है और पुराना है, देख के लग रहा है आप लोगों को। तो ये पेन हम यूज़ करेंगे बियर्ड के लिए, ये जब करेंगे आप लोग देख लीजिएगा। और ये नॉर्मल शार्पनर और एक इरेजर, ये तो चाहिए सबको। और हाईलाइट के लिए लेंगे एक जेल पेन, तो ये जेल पेन, वाइट जेल पेन। और जो मतलब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और जो लूमोस का पेंसिल है, ये काटने के लिए एक काटर लेंगे, जो नाइफ है। तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए, वो आप लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि दिखाने से कॉपीराइट आ जाता है। और ये रिफंड जो दूसरे मोबाइल पे, आप लोग अगर मोबाइल नहीं है दूसरा तो पिन कर सकते हो। तो ये हम ड्राइंग कर लिए, उसको जो आउटलाइन है वगैरह वो सब हम पहले इरेज आउट कर लेंगे नॉर्मल इरेजर से, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेट देना। तो पहले हम आई को इस वीडियो में दिखाएंगे, आई का पार्ट जो है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ कैसे काम कर रहे हो। तो पहले हम राइट वाला आई करेंगे और कैसे सेट देते हैं वो सब आप कंटिन्यू देखो। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरा हेल्प करने की या पूरा डिटेल्स में। पहले हम जो आई बॉल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम कैमलिन का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ले लिए, तो इससे हम डार्क जगह को कर लेंगे पहले, जो डार्क एरिया है वो। और एक बात बोल रहे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एकदम अगर पूरा रियल टाइम डाले तो, इसलिए हम थोड़ा स्पीड कर लिए ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए और आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे। तो पहले हम डार्क जगह को कर लेते हैं आराम से। अब हम मेकअप ब्रश से इसे ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंड कर लेते हैं धीरे धीरे, थोड़ा पेसर देकर करेंगे तभी अच्छे से ब्लेंड होगा। और जितना स्मूथली मतलब कर पाओगे उतना ड्राइंग और अच्छा लगेगा। तो थोड़ा पेसर देकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अब हम यहाँ पे 6B पेंसिल से हम जो साइड का जो फेस का जो रिंकल है वो हम करेंगे। तो वो डार्क एरिया है पहले, तो इसीलिए हम पहले रिंक को कर लेते डार्क एरिया जो है। तो 6B लूमोस का पेंसिल से कर लेंगे। आप चाहो तो चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, पर हम अपने रेफरेंस के हिसाब से काम करें। ज़्यादा डार्क मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ किए हैं स्टेडलर का पेंसिल। अगर आपके पास इतना महंगा पेंसिल नहीं है तो आप वहाँ पे आर्ट लाइन का जो 6B है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम धीरे धीरे जितना भी आई का साइड का जो एरिया है वहाँ पे हम कर लेंगे। जहाँ जहाँ मुझे डिटेलिंग करना है, देख रहे हैं कि डार्क जगह है, तो वहीं पर रेफरेंस को देख के कर लेंगे। और आप लोग प्लीज़ रेफरेंस को अच्छे से फॉलो करना, रेफरेंस अच्छे से फॉलो करना। और एक बार अगर जब रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी में देना कि जिस जगह को आप कर रहे हो उसे आप अच्छे से कर पाओ, फिर बाकी का साइड का काम करना। तो एक बार में पूरा फेस को एक चांस में शेड्स मार देना। अगर आई कर रहे हो तो आई पे ही पूरा फोकस करो, फिर जब नोज़ पे करोगे तो नोज़ पे ही करो, ऐसे करके करना। तो मेरा लगभग हो गया, अब हम ब्लेंड करेंगे। तो और एक बात बोलना भूल गए थे, जो है मेरे पास एक है ब्लेंडिंग स्टाम्प, तो इससे हम थोड़ा ब्लेंड करते हैं कभी कभी। तो ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है, इसके लिए मुझे यही यूज़ करना पड़ा। आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग जो ईयरबड होता है
आप कान में यूज़ करते हो वो इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गया लगभग। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई कोई जगह पे डार्क एरिया जो था वो हम करना भूल गए, मतलब उससे थोड़ा लास्ट में करना चाहिए था, तो इसीलिए हम इसे पहले सिक्स भी उसके उसके बाद कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से डार्क मत करना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो इसलिए हम बाद में कर रहे हैं ये डार्क एरिया। तो यहाँ पे हम चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं जो कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। फिर हम मेकअप ब्रश से उसे ब्लेंडिंग कर रहे हैं अच्छे से, तो ब्लेंडिंग करना मस्ट है एकदम। तो ये ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे हम फिर से सिक्स बी पेंसिल लिए और जहाँ जहाँ छोटा छोटा एक लाइन है आई के साइड में वो हम देख देख के कर रहे हैं छोटा छोटा। आप लोग थोड़ा शार्प कर लेना पेंसिल को, फिर करना, हम शार्प करना भूल गए थे। तो फिर हम यहाँ पे मोनालिसा लिए, फिर उसके अंदर देख सकते हो हम इरेज आउट कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे लाइन दिए थे उसके साइड में, यहाँ पे आराम से आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा हम स्पीड कर लिए पर आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर यहाँ पे लिए हम ब्रूस्टो का पैट्री इजर, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इरेज आउट कर रहे हैं। देखिए जो आई का बीच का जो हिस्सा है हाईलाइट करने के लिए आई वॉल का, वहाँ पर हम पहले ही ये इरेज आउट कर लिए, फिर वहाँ पर हम जो जेल पेन है वो यूज़ करो। तो आप लोग ज़्यादा जेल पेन यूज़ मत कीजिएगा, बहुत लोग है कि यहाँ पे आई के नीचे भी हाईलाइट के लिए बहुत जगह पे जेल पेन यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जेल पेन मत यूज़ कीजिएगा। और बहुत लोगों का ये मानना है कि यूट्यूब से कोई ड्राइंग अच्छे से नहीं सीख पाते, यूट्यूब में सब कुछ गलत दिखाते, तो एक्चुअली क्या है वो सब सबका एक मतलब खुद का सबका सोच है। पर हम ये रियलिस्टिक ड्राइंग करना यूट्यूब से सीखा थे, जब हम छोटे थे तब हम जहाँ पे ड्राइंग सीखे थे वो सर मुझे ड्राइंग करना तो सिखाया था पर इतना रियलिस्टिक काम नहीं सिखाया था, तो ये सब मुझे यूट्यूब से ही सीखना पड़ा। और जो बात और एक बोलना है, हम ड्राइंग सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब में दिखाएंगे और हम लोग सिर्फ आप लोगों को मटेरियल्स क्या है कहाँ पे कैसे यूज़ करना वो सब दिखाएंगे, बाकी जो प्रोसेस है आप लोगों को उसे फॉलो करना है, ना कि मेरे बात सुनना है ज़्यादा। आप लोग ज़्यादा ड्राइंग को फोकस करो, जो हम दिखा रहे हैं उसे अच्छे से देखो कि कहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करोगे घर में तो आप लोग को भी हो जाएगा, अच्छे से काम आएगा। और एक बात, ये जो फेस का जो टोटल पार्ट है ये सब आप लोग शुरू में एकदम से मत करो, आप लोग पहले जो आई है फिर आई करो, फिर पहले आई के बाद आप नोज करो, इसे पार्ट पार्ट में कोशिश करो रियलिस्टिक बनाने की, एकदम फेस में स्टार्ट मत करना। तो देखो हम यहाँ पे सिक्स बी पेंसिल से छोटा छोटा मतलब सिंपल लाइन किए थे, फिर उसके अंदर इरेज आउट किए मोनालिसा से, फिर उसके ऊपर देखो हम लाइन थोड़ा डार्क कर रहे हैं। तो ये हम सिक्स बी से कर रहे हैं, सिक्स बी को पहले थोड़ा प्रेशर देकर किए थे, अब ज़्यादा प्रेशर देकर कर रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम है थोड़ा प्रेशर देकर तो हल्का सा होता है, फिर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो थोड़ा डार्क होता है। तो आप लोग मेरा प्रोसेस देख सकते हो हम कैसे रियलिस्टिक करते हैं। और देखिए हर बार जहाँ पे हम पेंसिल को घिस रहे वहाँ पे हम देखिए ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, तो वो आप मेकअप ब्रश से भी कर सकते हो या ब्लेंडिंग स्टम्प या टिश्यू पेपर जहाँ जो आपके पास है उससे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मेकअप ब्रश से ही करना पड़े, पर मेकअप ब्रश से थोड़ा अच्छा होता है। फिर देखो हम यहाँ पे जो बैटरी रेल्स है उनसे सिर्फ छोटा छोटा हाईलाइट कर रहे, सिर्फ टच कर रहे बैटरी रेल्स को, सिर्फ टच कर रहे उससे थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे कुछ जेल पेन यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग जेल पेन को थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, सिर्फ आई के अंदर एकदम जो वाइट जगह है उसके लिए आप लोग कर सकते हो, बाकी मत ही करो। फिर देखो इसके अंदर हम थोड़ा जो मोनालिसा है उससे हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा जो आई है हम कर लिए, जितना था डिटेलिंग मुझसे जितना हुआ था हम आप लोगों को दिखा दिए, थोड़ा जूम कर दिखा के तो फट रहा है ये ड्राइंग, तो मेरे पास मोबाइल्स में जितना होता है हम वही आप लोगों से वीडियो बना कर देते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो आप नेक्स्ट आई करेंगे जो लेप वाला है, तो लेप वाला आई आप लोगों को टाइम लेप्स में दिखाएंगे। तो अब जो लेप वाला आई है आप लोग इसे ध्यान से दीजिए, हम पहले जो बोले थे आप जो वहाँ पे यूज़ किए इस राइट वाला आई पे वही सब यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग सुबह यहाँ पे फिर प्रोसेस देखिए। और एक बात जो बोलना है, देखने के बाद ही अपने जो ड्राइंग पेपर है जो नोटबुक है वहाँ पे आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, देख के आप लोग करोगे तो आप लोगों को मतलब क्या बोले देख के कुछ फ़ायदा होगा, अगर देख के रह दोगे तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग ये करो, और वीडियो तो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पार्ट दिखाएंगे। तो पार्ट पार्ट में आएगा ये ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में ऑनलाइन लेने के लिए बोल दो, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो उनके लिए भी ड्राइंग है। तो आप लोग इसे देखो, ट्राई करो और एक सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो एक लाइक कमेंट करना, और आप लोगों को जो बोलना है वो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो और स्टडी करो।